हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यानी विशु व्लॉग्स में। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम अंबाला कैंट की बात करने वाले हैं। अंबाला कैंट के कुछ विजिट करने वाले हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में और कुछ हिस्ट्री के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अंबाला कैंट से बिलोंग करते हो। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, याद से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी कर देना। बस इतना ही, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अंबाला कैंट किस कारण से ज्यादा मशहूर है, तो आपका जवाब होएगा आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स वगैरह ना। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन और भी कई कारण है जिस कारण से अंबाला कैंट काफी मशहूर है। तो इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो फिर चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो गाइज, हम शुरू से शुरुआत करते हैं अंबाला के नाम से। क्या आपको पता है कि अंबाला का नाम अंबाला नहीं था? अंबाला का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार नाम थे। वो कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम अंबा राजपूत, जो 1403 में रखा गया था। जिस राजा ने अंबाला की स्थापना करी थी उनके नाम पर यह नाम रखा गया। दूसरा नाम भी देवी भवानी अंबा के नाम से रखा गया। और तीसरा नाम हमारा अंबाला कर दिया गया, क्योंकि आम की पैदावार ज़्यादा होने के कारण अंबाला कर दिया गया और प्रमुख रूप से नाम रखा गया अंबाला। तो गाइज, ये हमारे चार नाम थे अंबाला के। अंबाला हरियाणा का एक प्रमुख जिला है। क्या आपको पता है अंबाला किन किन कारणों से ज़्यादा मशहूर है? अंबाला सबसे पुराने रेलवे ट्रैक के कारण, एयरबेस, आर्मी और कुछ ऐतिहासिक हिस्ट्री और हिस्टोरिकल प्लेसेस के कारण ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। अंबाला ज़्यादातर अपने एयरफोर्स स्टेशन के कारण भी ज़्यादा मशहूर। क्या आपको पता है पहली हवाई पट्टी हमारे अंबाला में ही बनी थी? सन 1919 में अंबाला में पहली हवाई पट्टी बनी थी और सन 1938 में इसका पूरी तरीके से निर्माण कर दिया गया था और इसको सेना उड़ान और सरकारी उड़ानों के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्थल रूप से अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन माना जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। तो गाइज, ये बात हो गई एयरफोर्स स्टेशन की, लेकिन अब आते हैं घूमने वाली जगहों के बारे में जो आपको सिर्फ अंबाला में ही देखने को मिलेंगी और कहीं नहीं। गाइज, सबसे पहले नंबर पे आता है रानी का तालाब। यह रानी का तालाब अंबाला कैंट में स्थित है। क्या आपको पता है यह रानी का तालाब कितने साल पुराना है? यह रानी का तालाब 480 साल पुराना है, जो कि यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ काफ़ी लोग इस रानी को तालाब को देखने आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। छछरौली सियासत राजा रंजीत सिंह की रानियाँ रोज इस रानी के तालाब में स्नान करती थी और कैलाश शिव मंदिर, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें रोज पूजा करती थी। और अच्छी बात यह है, सेना बल इसकी रक्षा करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप अंबाला में आते हैं तो इस जगह को जरूर विजिट करें। और रानी के तालाब के सामने ही राजा रंजीत सिंह का भी तालाब है, जहां राजा रंजीत सिंह स्नान करते थे और उस जगह पे पार्क बना हुआ है और उस पार्क का नाम पटेल पार्क है। इस बात कर लेते हैं हम दूसरे नंबर की, पंजोखरा साहिब। क्या आपको पता है सभी गुरुओं के आठवें गुरु हरकिशन सिंह जी ने अपने पवित्र चरणों का आगमन करा था और घोर तपस्या करी थी, जिस कारण से इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ और यह हरियाणा के लिए नहीं पूरे भारत के लिए श्रद्धा केंद्र बिंदु बन चुका है। यह गुरुद्वारा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस गुरुद्वारे में आपको पॉजिटिविटी हर जगह महसूस होगी। इस गुरुद्वारे में लोग दूर दूर से आते हैं और यह गुरुद्वारा पंजोखरा नाम के एक गाँव में स्थित है, जो कि नेशनल हाईवे 1 नारायणगढ़ मार्ग के पास में है। अगर आप जब भी अंबाला आए तो इस गुरुद्वारे में जरूर जाएं, आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं अब तीसरे नंबर की, मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो NH1 अंबाला सिटी पर स्थित है और इसे बौली साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है। और यह छठे गुरु हरि गोविंद सिंह जी और सातवें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा पवित्र करा गया है। यह तब की कहानी है जब छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी अपने सफर के दौरान यहाँ के ग्रामीण लोगों से मिले और ग्रामीण लोगों ने यहाँ ये बताया कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है
और हरगोविंद सिंह जी ने यह पानी की कमी सुनकर सरोवर खुदवा कर पानी की कमी दूर कर दी, जिस कारण से मंजी साहिब गुरुद्वारे का निर्माण हुआ और यह गुरुद्वारा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस गुरुद्वारे को देखने के लिए और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की, होली रेडीमर चर्च, जो अंबाला कैंट में स्थित है और इसे सेना बल प्रोटेक्ट करती है। यह ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। इस चर्च का निर्माण 1848 में करा गया, जब करनाल से सेना को लाया जा रहा था, तब इस चर्च का पूर्ण रूप से निर्माण सेना के लिए करा गया था। क्या आपको पता है यह चर्च एक बार गिर भी गई थी पुरानी होने के कारण, जिसे 1908 में पूर्ण रूप से दोबारा बनाया गया था। इस चर्च की 3 मंजिली इमारत है। यह चर्च काफी ज्यादा बढ़िया है और सुंदर भी है, जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। अगर आप अंबाला आए तो इस चर्च को एक बार जरूर देखकर जाना। तो गाइस, बात कर लेते हैं 5th नंबर की, सेंट पॉल चर्च। यह चर्च भी अंबाला कैंट में स्थित है और पूर्ण रूप से सेना बल इस चर्च की रक्षा करती है। इस चर्च का निर्माण 1855 में हुआ था, जो कि यह चर्च सेना के लिए बनाई गई थी और 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने यह शरण लिया था और आगे चलने के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस चर्च पर बॉम्ब गिराए गए थे, जिससे यह चर्च का आधा हिस्सा टूट गया था और नष्ट हो गया था, जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन यह लोगों के देखने के लिए अभी भी अच्छी स्थिति में है, जिस कारण से लोग इस चर्च को देखने आते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आप अंबाला कैंट आए तो इस चर्च को भी एक बार जरूर देखना, और यह चर्च दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो बस वीडियो में इतना ही। जो मेरे घर के आसपास अच्छी जगहें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, और मोटा मोटा लेके मैंने बता दिया आपको सारा कुछ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो बनाने का कारण ये भी था कि मैं इन जगहों पे जाऊंगा और अच्छी सी व्लॉग बनाऊंगा। अगर वो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना ही, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में।